हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रेक्टिफायर। देखो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है एसी को पल्सेटिंग डीसी में। देखो लिखा भी हुआ है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट एसी इनटू अ पल्सेटिंग डीसी। अब एसी और डीसी आपको पता ही है, देखो एसी कैसी होती है आपके पास, इस तरीके से, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और डीसी क्या होती है, डीसी होती है सिर्फ पॉजिटिव में, इस तरीके से। और ये प्योर और जो यहाँ पर बनाई है, ठीक है, लेकिन यहाँ मिलती है पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी कैसी होती है, पॉजिटिव में ही होती है लेकिन पल्सिस की फॉर्म में होती है, इस तरीके से, समझ रहे हो बात को। पॉजिटिव ही होगी लेकिन पल्सिस की फॉर्म में है, ये होती है पल्सेटिंग डीसी। और प्योर डीसी होती है इस तरीके से, ये लाइन है, कॉन्स्टेंट है, देख लो ये, ठीक है ना, पल्स तो नहीं बन रही यहाँ पर, जैसे ये पल्सिस बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास लाइन होती है, ये कौन सा होता है हमारे पास, प्योर डीसी के लिए होती है वेव, ठीक है। और ये है एसी, ये है पल्सेटिंग डीसी, और ये है प्योर डीसी। डीसी में पॉजिटिव ही रहती है इस वजह से, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, बस यहाँ पल्सिस हैं, ये क्या है आपके पास, स्ट्रेट लाइन आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, यहाँ पर फ्लक्चुएट हो रही है, ठीक है, लेकिन है पॉजिटिव में ही। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव में ही है लेकिन फ्लक्चुएट नहीं हो रही है। और ये कौन सी है, एसी है, जो कि पॉजिटिव भी चल रही है और नेगेटिव भी चल रही है, पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्लियर है। अब बात करते हैं रेक्टिफायर के प्रिंसिपल पे। देखो रेक्टिफायर का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है, पीएन जंक्शन डायोड पर बेस्ड है। देखो पीएन जंक्शन डायोड में आपको पता है फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करती थी पीएन जंक्शन डायोड, और रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करती थी, यही पता है आपको, ठीक है। तो यही चीज यहां पर लिख रखी है कि प्रिंसिपल क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट पीएन जंक्शन डायोड विल कंडक्ट हैवली इन द फॉरवर्ड बायस एंड विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस। क्लियर है इतनी बात, ठीक है, प्रिंसिपल भी समझ में आ गया, मतलब क्या है, पीएन जंक्शन डायोड का ही यूज हो रहा है यहां पर, ठीक। अब बात करते हैं टाइप ऑफ रेक्टिफायर। तो दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, देर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर, नंबर वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकंड इज फुल वेव रेक्टिफायर, क्लियर। तो अब यहां पर हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर। तो नंबर वन क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल। देखो एसी की हमारे पास, यहां पर बनाता हूं, देखो एसी के लिए आपको पता है एक पॉजिटिव साइकिल होते, एक नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो रेक्टिफायर में क्या हो रहा है, विच गिव आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल बट नॉट फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे यहां पर आप वेव में ये चीज समझ सकते हो, ठीक है, ये देखो ये यहाँ पर हमने रेक्टिफायर बनाया हुआ है, ठीक, ये देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखो इनपुट में ये पॉजिटिव दे रखा है, ये नेगेटिव दे रखा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ जो आउटपुट आती है वो सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए आती है। तो देखो पॉजिटिव के लिए आ रही है, नेगेटिव साइकिल है, फिर यहाँ कुछ भी नहीं आउटपुट, फिर देखो पॉजिटिव साइकिल आई, यहाँ पर भी आउटपुट आई है, आउटपुट में मिल रही है ये डीसी, ठीक है, लेकिन जब इनपुट में नेगेटिव साइकिल है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है आउटपुट में, समझ रहे हो इतनी बार, ठीक है। तो जो आउटपुट है सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए आ रही है, नेगेटिव साइकिल के लिए आउटपुट नहीं आती, और इसीलिए इसका नाम क्या है, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव की वजह से आउटपुट आ रही है, ठीक है ना, देख लो पॉजिटिव पॉजिटिव की वजह से आ रही है, नेगेटिव की वजह से नहीं आ रही है, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो ये है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसमें क्या होता है, सिर्फ पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट आती है, क्लियर। अब देखो ये जो इसका डायग्राम है कंस्ट्रक्शन में, इसको समझो, देखो ये लगा हुआ है हमारे पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, याद है आपको यूनिट फोर्थ में आपको मिल जाएगा ट्रांसफार्मर, वहां पर स्टेप अप स्टेप डाउन दोनों बताए हुए मैंने, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन में आपको पता है प्राइमरी वाइंडिंग ज्यादा होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग ये कम होती है, तो इसमें आउटपुट क्या मिलती है, कम मिलती है, ये आपको पता है स्टेप डाउन के अंदर, ठीक है। तो ये देख लो ये पूरा ट्रांसफार्मर ही बना हुआ है, सिर्फ इसमें एक एक्स्ट्रा क्या चीज लगी हुई है यहाँ पर, ये पीएन जंक्शन डायोड लगी है, जिससे ये पूरा अरेंजमेंट क्या बन जाता है, रेक्टिफायर बोल देते हैं हम इसको, बात आ रही है समझ में, ठीक है। ये तो आपको पता है ये बीच में क्या है, आयरन की कोर्स है, जो कि यहाँ पर क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक्ड करती है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो करंट इसमें आएगा वो किसके थ्रू आता है, अगर ट्रांसफार्मर में आपको याद है, म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो ये प्राइमरी वाइंडिंग है जिसके अक्रॉस हमने इनपुट दी है, और ये है हमारे पास सेकेंडरी वाइंडिंग जिसके अक्रॉस हमने आउटपुट ली है, ठीक है, और साथ में पीएन जंक्शन डायोड भी लगाई है, क्या इतनी बात समझ में आई है, ठीक। तो ये देखो जरा यहाँ पर यही बात लिखी हुई है हमने कि इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन आपको बताई दिया मैंने, नहीं समझ में आ रहा है तो यूनिट फोर्थ में ट्रांसफार्मर वाला टॉपिक देखो जाकर, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद P1 एंड P2 एंड S1 एंड S2 एज प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है, P1 P2 वाली, ये वाली P1 P2 कौन सी है हमारी प्राइमरी, और जो ये S1 और S2 है ये कौन सी है हमारी सेकेंडरी कॉइल्स है, या सेकेंडरी वाइंडिंग हम बोल सकते हैं, ठीक है। जो एसी इनपुट है, यहां लिखा हुआ एसी इनपुट इज कनेक्टेड अक्रॉस द प्राइमरी, एसी इनपुट हमने किसके अक्रॉस कनेक्ट किया है, प्राइमरी के अक्रॉस कनेक्ट किया है, एंड अ पीएन जंक्शन डायोड विद अ लोड रेजिस्टेंस RL आर कनेक्टेड अक्रॉस द सेकेंडरी, और सेकेंडरी के अक्रॉस देख लो पीएन जंक्शन डायोड है लगाई हुई और लोड रेजिस्टेंस RL लगाया हुआ जिसके अक्रॉस आप आउटपुट लोगे, क्या इतनी बात समझ में आई है। अब इसकी वर्किंग को समझते हैं, ये वर्क कैसे करती है, देखो जरा जैसे मैंने आपको बताया एसी इनपुट में आपके पास एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। अब जैसे मान लो जब पॉजिटिव साइकिल आई तब क्या होगा, देखो जैसे हम मान लेते हैं कि P1 हमारा नेगेटिव हो गया उस टाइम पे और P2 हमारा पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग ये S1 क्या बन जाएगा यहां पर पॉजिटिव एंड दिस S2 इज नेगेटिव। ऐसा क्यों होता है, देखो लेंज़ लॉ क्या कहता है, लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग जिसकी वजह से यहां करंट प्रोड्यूस होगा
ये उसको अपोज करेगा। और यहाँ किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इस प्राइमरी वाइंडिंग में जो करंट है उसकी वजह से यहाँ करंट है, तो ये उसको अपोज ही करेगा। मान लो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट ऐसे मूव कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें करंट कैसे मूव करेगा बताओ जरा, इसके अपोजिट इस तरीके से, मतलब समझ रहे हो ना, इसमें करंट मान लो इस तरीके से कर रहा है फ्लो, तो इसमें कैसे करेगा इस तरीके से, क्योंकि बाय लेंज लॉ इसमें क्या हो जाएगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ये आपको पता ही है। लेंज लॉ में क्या करता है, वो अपोज करता है कोज को जिसकी वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें किसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हुआ, इसकी वजह से, इसमें डायरेक्शन अगर करंट की है तो ये इसको अपोज करेगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पोलैरिटी चेंज होगी, ये माइनस है तो ये पॉजिटिव होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। अब देखो जरा, ये जो पी एन जंक्शन डायोड है ये क्या हो जाएगी, देखो पी पॉजिटिव से कनेक्ट है और ये एन वाला किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, तो बताओ फॉरवर्ड या रिवर्स, फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। अगर फॉरवर्ड बाइसिंग हो रही है तो ये कंडक्ट करेगा और RL के क्रॉस आपको क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। यही हमने यहाँ पर वेव फॉर्म में भी बताया हुआ है, देखो पॉजिटिव साइकिल आई तो आपको आउटपुट मिली है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो नेगेटिव की साइकिल की बात कर लेते हैं। अब देखो जब नेगेटिव साइकिल आई तो नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, मान लो ये वाला पॉजिटिव हो गया और ये वाला नेगेटिव हो गया, ठीक है, नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात समझ रहे हो। अब देख लो जरा ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होगी, रिवर्स होगी कि फॉरवर्ड होगी, देखो इसका पी नेगेटिव से कनेक्ट है और इसका एन पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो ये किस में जाएगी, रिवर्स बाइसिंग में, और रिवर्स बाइसिंग में आपको पता है पीएन जंक्शन डायोड कंडक्ट नहीं करती, ठीक है, तो कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगी इस आरएल के अक्रॉस। तो यहां पर देख लो ये नेगेटिव साइकिल आई और यहां पर कुछ भी आउटपुट नहीं है, फिर साइकिल रिपीट होगी, प्लस की आएगी तो आउटपुट मिलेगी, फिर नेगेटिव आया तो आउटपुट नहीं मिलेगी, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, मतलब क्या है, हाफ वेव की वजह से ही आउटपुट आ रही है, समझ रहे हो इतनी बात। अब इस कहानी को ऐसे समझ सकते हो आप कि ये यूज़ कहाँ होता होगा, देखो जैसे चार्जर तो आप सभी के घर में होगा, ठीक है ना, चार्जर में ये चीज़ यूज़ होती है, देखो कैसे, आपके घर में जो इनपुट आ रही है वो है 220 वोल्ट, कितनी है वो, 220 वोल्ट है और एसी की है, और आपका जो मोबाइल चार्ज होगा वो होगा 5 वोल्ट डीसी से चार्ज होगा, ठीक है, तो वो चार्जर इसीलिए होता है, तो वो चार्जर क्या करता है, यही अरेंजमेंट लगा होता है इसके अंदर, इसलिए महंगा मिलता है, ठीक है। देखो इसमें कैसे, 220 वोल्ट एसी है, अब ये ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, इस 220 वोल्ट को अगर हमने स्टेप डाउन बनाया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है 220 वोल्ट एसी इनपुट है, तो ये इसको क्या करेगा, कम करेगा, और कितना कर दिया, मान लो ये 5 वोल्ट कर दिया, एसी ही है, 5 वोल्ट क्या है, एसी ही है, लेकिन इसके अंदर क्या लगा हुआ है, अभी पीएन जंक्शन डायोड भी लगी हुई है, ठीक है, ये पूरा अरेंजमेंट लगा हुआ है ना, खाली ट्रांसफॉर्मर तो नहीं बोल सकते हम इसको, पूरे को रेक्टिफायर बोल रहा है क्योंकि यहाँ डायोड लगी हुई है। अब इसमें ये 5 वोल्ट एसी किस में कन्वर्ट होगी, डीसी में कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो अब ये डीसी में कन्वर्ट हो जाएगी पल्सेटिंग डीसी में, ठीक है, पल्सेटिंग डीसी को हम फिल्टर्ड करेंगे तो हमें प्योर डीसी भी मिल जाती है, ठीक है, तो वहां पर फिल्टर भी लगा होता है चार्जर के अंदर जो कि पल्सेटिंग डीसी को किस में कन्वर्ट कर देता है, प्योर डीसी में, ठीक है, और उसमें फुल वेव रेक्टिफायर लगा होता है, ये तो हाफ वेव वाला था, ये देख लो यहाँ पर, ये तो हाफ वेव आ रही है, फुल वेव का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें क्या होगा, देखो ये नेगेटिव के लिए भी यहाँ पर आउटपुट आएगी पॉजिटिव, समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है, तो ये पूरी आपको आउटपुट मिलेगी पॉजिटिव के लिए भी, नेगेटिव के लिए भी, ठीक है, लेकिन सारी पॉजिटिव ही होगी, तो ये पल्सेटिंग डीसी होगी, फिर चार्जर में क्या होता है, फिल्टर लगे होते हैं जो कि इसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं और आपका मोबाइल चार्ज, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अब इसकी वर्किंग को देखो यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी पढ़ लेते हैं, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वर्किंग के अंदर, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल लेट अस कंसीडर P1 टू बी नेगेटिव, यही मैंने आपको बताया था, एंड P2 टू बी पॉजिटिव, ये मान लेते हैं, एंड ड्यू टू द लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, S1 बिकम पॉजिटिव, क्योंकि P1 को नेगेटिव दिया और P2 को पॉजिटिव दिया था, तो S2 क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो डायोड क्या करेगी, फॉरवर्ड बायस में जाएगी, हेंस द डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस एंड विल गिव यू आउटपुट, क्लियर। नाउ ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, P1 विल बिकम पॉजिटिव एंड P2 विल बिकम नेगेटिव, एंड ड्यू टू द लेंज लॉ S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव, S1 will become negative and S2 will become positive. S2 positive क्यों? क्योंकि P2 negative था. Clear? Therefore the diode will be in reverse bias. तो reverse biasing में जाएगी and hence will not give you output. Thus we get output only for the half cycle. कौन सी, वो भी positive के लिए. And therefore it is called half wave rectifier. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और ये इसकी हमने इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म बनाई हुई है यहाँ पर, ये मैंने आपको समझा भी दिया है, ये इनपुट है हमारे पास एसी, पॉजिटिव नेगेटिव और आउटपुट में क्या हो रहा है हमारे पास, पॉजिटिव के लिए देख लो आउटपुट आ रही है, नेगेटिव के लिए आउटपुट नहीं आई है, फिर पॉजिटिव के लिए आउटपुट आई है, नेगेटिव के लिए नहीं आई है, ठीक है, ये आउटपुट है। और किस, कौन सी है, डीसी, क्यों बोल देंगे, क्योंकि पॉजिटिव आ रही है तो ये डीसी है, क्लियर हो रही है, लेकिन ये पल्सेटिंग डीसी हम इसको बोल देंगे, ठीक है। और वो चार्जर वाली कहानी भी मैंने आपको बताई है जो कि फुल वेव रेक्टिफायर वाला कंसेप्ट उसमें यूज होता है, ठीक है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा रेक्टिफायर यूज कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आई है बात, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर था जिसमें हमने हाफ वेव रेक्टिफायर यहाँ पर पढ़ा है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है, वो भी इसी तरीके से बहुत ईजी है, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।